माता के चार पुत्र थे, बड़े तीन पुत्र अपना अपना कारोबार करते थे, और जो सबसे छोटा था ना वो कुछ नहीं करता, कोई काम तो जेड़ा कोई भी काम ना करे उसी के गलंदे बेल लड़ाई। क्या गलंदे बोलो जी, बेल लड़ाई। उदे माता पिता ने उदा ना के पाईता बेल लड़ाई, महल्ले दे भी पिंडे दे भी केले पे बोलन वो आया बेल लड़ाई, कोई काम नहीं करता। पर काम एक करता, क्या जिथे भी कथा होनी सत दिन घर भी नहीं जाना, बड़ा खुश होता कि हम कथा होनी है, संतान आना नसीबा करनी है, कथा सुननी, तीन घंटे कथा सुननी, फिर लंगर की सेवा करता, कभी पानी की सेवा, सुबह उठकर जल्दी पंडाल साफ करता है, दरिया वगैरह मैट वगैरह झाड़ू लगाता है, उन्हें झाड़ कर फिर बिसाता है, फूल लाकर देता है पंडित जी को पूजा के लिए, पूजा होती है, फिर ब्यास आसन पर बैठकर जब ब्यास जी कथा श्रवण करते हैं तो सारे लगे बैठी सुनता करता है, बड़ा आनंद है। अठवें दिन सात दिन कथा सुनी, जुला अठवें दिन घर जाता तो घर बड़ी मार सुनी आई है के मिले आते काम कर जवान होना, और तू ब्याह भी करना नहीं तेरा वो मस्त, फिर पता लगता उसकी कि नौ दिन राम कथा हो खानपुर है, वो उमरपुर खानपुर चली जाता, अठ दिन नौ दिन उथे ही रहा आंदा ही नहीं पिंड, फिर नौवा दिन बाद घर आवा दा तो फिर खातरदारी होवा दी, इया बेचारे का टाइम निकलता रहा। उस नगरी का राजा, उस इलाके का जेड़ा राजा था, उसके आगे संतान नहीं, औलाद नहीं। एक दिन उसने बड़े विद्वान एक ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि मेरी कुंडली देख, मेरी किस्मत में औलाद है। उसने कहा महाराज औलाद है, पुत्र है आपको किस्मत में, आपके घर पुत्र है, पुत्र का सुख आपको मिलेगा, तो उपाय जे है कि आपकी कोई कुल देवी है वो आपसे रुष्ट है, आपके पूर्वज जो थे वो बलि दिया करते थे वो आपको भी बलि देनी पड़ेगी। तो राजा बड़ा धर्मात्मा था, के लगा ये ज्योतिषी जी है पंडित जी मैं जीव हत्या नहीं कर सकता, अरे जीव हत्या क्या वहां नर बलि देनी पड़ेगी, और वहां नर बलि दोगे तो आपके घर पुत्र आ जाए, अरे मैं तो किसी पशु की किसी जानवर की बलि नहीं दे सकता, तू आदमी की बलि कह रहा है, नर बलि दे नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, तो फिर देख लीजिए।